हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नैन्सी गुप्ता। तो फिलहाल ये है मेरा लास्ट डे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में, और कोई बात नहीं, लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, बट इट्स ओके। लाइफ हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है, और कोई बात नहीं, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो फिलहाल यार घर वाले ना बोल रहे थे कि अभी घर पे आ जाओ, जॉब अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए मत करो, बट यार अगर मैं घर पे चली गई तो चीज़ें ना थोड़ी सी वो हो जाएंगी, मतलब जो चीज़ मैं लाइफ में करना चाहती हूँ ना वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी जब बोलते हैं ना लाइफ में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको यूटिलाइज़ करो, उससे सीखो कि तुम और अच्छा क्या कर सकते हो। तो अभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों उस चीज़ को ठुकराऊँ, है ना। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे निकल जाती हूँ, फिर भैया ने बोला जाओ जाओ चले जाओ, फिर मैंने सोचा कि यार डिग्री विग्री की बात है ना, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी पापा को, अभी फ़ोन कर दी कि पापा करने तो जॉब वगैरह जो भी थी ना, तो पापा ने बोला चलो ठीक है, अब तुम्हें इतना ही करना है तो तुम कर लो, मैं जा रही हूँ आउट पास लेने के लिए, वरना तो मैं ऐसे निकल जाती, फिर मेरे लग जाती ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाती, मेरी डिग्री की ऐसी तैसी हो जाती, मैं नहीं चाहती हूँ कि जाते जाते मेरे डिग्री के साथ कुछ हो, कलेश कलेश अभी हो गया, एग्ज़ाम वगैरह जो भी था सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, आज लास्ट एग्ज़ाम था। फिलहाल धूप तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बट इट्स ओके, फाइन, ऑल राइट, नो इशू, बिकॉज हमारे पास तो है ही हमारा फैन जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत। फिलहाल ये है मेरा आउट पास जो मैं वही जा रही थी बिना साइन करवाए, अब घर वालों ने मैसेज कर दिया अच्छे से, तो अपन साइन करवा के ही निकलेंगे। वैसे ना एक चीज़ बताती हूँ आपको, लाइफ में आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलती ना तो आपके बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, मैंने तो बहुत लोगों के ताने सुने हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम होता है ना इंसान तब समझ जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जो भी था जैसा भी था, लड़की अच्छी थी चीज़ें बाद में समझेंगे, बट अभी बोलने दो, लोग जितना भी मुझे पीछे खींचने की कोशिश करें इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, हम अपना मेहनत करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी हैं, जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वहाँ पे मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ है, इट्स ओके, फाइन, ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते इस चीज़ के बारे में, चलिए चलते हैं। यार पता है मैं सच में आप लोगों को कैसे बताऊं कि इतने मुश्किल से घर वालों को कन्वेंस किया है, क्योंकि पता है हमेशा से मेरे को यही रहा है क्या करनी है जॉब वॉब करके, पापा हैं ही तो सिस्टम है अपना ऐसी ऐसी चीज़ें सोचती थी, बट यार अब पढ़ाई करिए तो थोड़ा करना भी चाहिए ना, फिर घर वाले बोल रहे थे आ जाओ, अब आपको पता ही है कि मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है आजकल, और पापा भी, अब मैं क्या ही बोलूँ, पर यार कोई बात नहीं, वहाँ पे अभी मौसी जी भी हैं, नानी भी हैं, भैया भी है, ठीक है, और अगर मैं भी चले गई ना तो मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आएगी कि जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पाई, यार मम्मी पापा के लिए तो देखो दिल से रिस्पेक्ट है, ठीक है, अब उनको ही दिखाने के लिए चीज़ें करनी है, अपने आप को थोड़ा सही साबित करना है चीज़ों का लेके, जो भी है देखते हैं, कल मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि सामने सर लोग हैं। फिलहाल जा रही हूँ यूनिवर्सिटी छोड़ के, कोई बात नहीं, मैं हमेशा कोई बात नहीं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दिल पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बट इट्स ओके, फाइन, हंसते हंसते हर दुख को झेल लो, कोई बात नहीं, उफ, मैं कभी किसी की बुराई का क्या फ़ायदा यार। रात के बज रहे 3 और अभी मैं हूँ दिल्ली, मतलब जा रही हूँ, मेरे साथ हमेशा ये होता चलता है, आराम से भी आराम से कभी बस वालों ने वो उल्लू बनाया, मैं बोल रहा 3605 रुपये है टिकट, बट इसने 850 समथिंग ऐसे कुछ रखा था, चले चलते कोई बात नहीं।
अभी मैं यहाँ पे सीलमपुर आई हुई हूँ, यहाँ पे मैं रुकी हूँ। फिलहाल ये जो बसें हैं ना, ये दिल्ली की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा फ्री चली जाती है। मुझसे ऑटो वाले बोले कि हम 500 लेंगे, 200 लेंगे, मतलब ऐसे ऐसे रेट लगा रहे थे। बट बाद में मुझे चीज़ें पता चली कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। उतर चुके हैं यहाँ पे, अब इसके बाद पता नहीं हमें कहाँ जाना। गाइस लिटरली बता रही हूँ मैं, मुझे एक घंटे से ज़्यादा हो गया और मैं बार बार मेट्रो ही चेंज करती जा रही हूँ। कभी इतना चेंज ही नहीं किया है, कभी मेट्रो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ट्रैवल ही नहीं किया है इतना, या तो कार या तो गाड़ी या तो बाइक। पहली बार ट्रैवल करती हूँ मेट्रो में, मतलब भैया के साथ किया, पहली बार अकेले नहीं गया ना मुझे। भाई जॉब ढूंढने में कितनी मुश्किल हो रही है यार, सुबह से लेके इतनी पागल हो गई हूँ, काम वाम किया सारा, जल्दी 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 जल्दी। अभी भी जाके पता रिज्यूम वगैरह निकलवाने ही है, कुछ निकलवाया नहीं है मैंने, तुरंत जाके जल्दी 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 चीज़ें करनी है और फटाक से प्यारा प्यारा इंटरव्यू देना है और रिटर्न भी जाना है। एक घंटा आने में लग गया, सोचो एक नहीं दो घंटा आने में लग गया, सोचो अब दो घंटा जाने में लगेगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। इतना पूछ पूछ के आई हूँ ना मैं, इतना पूछ पूछ के आई हूँ, मैं क्या बताऊँ। अब मैं जाते समय भी पूछूंगी ना तो सब लोग दम बोलेंगे, इससे बढ़िया मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं कहाँ से आई थी, कहाँ से जा रही हूँ। बात करो मेट्रो से फिर उतर गए हैं, मतलब वो दूसरी मेट्रो थी, अभी हम दूसरी जगह आए हैं, फिर अभी हम जा रहे हैं दूसरे मेट्रो पकड़ने के लिए। मैं गई एकदम पागल हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, कार भी चलानी आती नहीं, उनने आज के आज कार खरीदी, कितनी बकवास कर रही हूँ, चपन्नी नहीं है जेब में। बात करी है कार खरीदने की, वैसे पापा यार खरीद दो, खरीदेंगे हम भी अपनी पैसों की, मजाक कर रही हूँ, नहीं खरीदूंगी मैं कंजूस हूँ। वैसे भी हम वेट कर रहे हैं ताकि हमारे दूसरे मेट्रो हो जाए, देखते कब तक आते हैं भाई। Here for the interview. Hey Ram. Jai Shri Ram. Well, Kalvi is ready. We are going to 12th floor. मैं डर लग रहा है, hope for the best. और अच्छे से दो में interview जो भी सीन होता है, बालाजी में आज की जाए पैसे से कहीं भी गड़बड़ हो के चाहे बट हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसे बच रहे हैं मेरे, अब सारे इकट्ठे करूँगी मैं कमा के अपनी मेहनत से। स्ट्रगल लाइफ तो है यार ऑब्वियसली, अब आए हैं तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बट मैं खुद के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट रखती हूँ कि हाँ नैन्सी अगर तुम मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली सक्सेस हो गई होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है यहाँ पे ऑटो में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ऑटो वाले होते हैं ना, अगर आप नए नए आए हो ना तो वो कुछ भी दाम ले लेते हैं, 500, 200, 300, 100 ऐसा ऐसा कुछ भी ले लेते हैं, और आपको अगर जल्दी होगी तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे मुझे थी आज जल्दी। बट कोई बात नहीं, आज चले गए कल से ध्यान रखेंगे, पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से देंगे इंटरव्यू अपना। ऑल द बेस्ट बोल दो यार, मुझे भी बहुत सारा प्यार करो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, और पीजी वगैरह भी देखने जाना है, तो फिलहाल अब जहाँ पर जॉब लगेगी ऑब्वियसली बात है वहीं पर पीजी लूँगी, और यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक भी कर दो, बहुत सारा प्यार करो और हमेशा देखते रहो यार, लव यू।